अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दोस्तों ने मुझसे पिछली वीडियो बनाने के बाद फिर ये सवाल किया है कि इससे हमें अर्निंग मिलती नहीं है। वो आते हैं पहले दिन यूज़ करते हैं, कहते हैं हम चैटिंग कर रहे हैं पर हमें अर्निंग नहीं आ रही। नए यूज़र्स आते ही पहले सवाल ये करते हैं, हम तो चैटिंग कर रहे हैं भाई और हमें अर्निंग नहीं आ रही है, अर्निंग कैसे आएगी हमें। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो ऐप होती है ये रोज़ाना अपनी जो अर्निंग होती है ना 3 बजे देती है, 2:15 या 2:30 बजे देती है। जैसे सारा दिन जो आप चैट करेंगे ना, मिसाल तौर पर आपने ये चैट की उससे गूगल एड्स आए और आपके नेटवर्क में जिसने भी यूज़ किया आपको उसमें से भी अर्निंग आती है। तो जो भी आपके नेटवर्क से अर्निंग आएगी, जो भी आपको ऐप यूज़ करने से अर्निंग आएगी, वो सारी अर्निंग आपको 2:15 बजे जो इनको टोटल अर्निंग आती है ना गूगल एड्स से, तो ये टोटल अर्निंग आपको डिवाइड कर देते हैं उस बेस पे जितनी ज़्यादा आपने ऐप यूज़ की होती है या आपने जितनी चैटिंग की होती है। मिसाल तौर पे आप व्हाट्सएप तो सारा दिन यूज़ करते हैं, उससे आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता। फेसबुक भी आप यूज़ करते हैं, उस पर भी आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता। जबकि इस पर आपने बस इसको ये नहीं यूज़ करना है कि आपने कोई मेन अर्निंग अपना बनाना है, आप इसको एज अ साइड अर्निंग लेना है। मतलब ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल रहे, जब आप फारिग हों, रस्ते में हों, जब आप मिसाल तौर पे जॉब के दौरान तो आप नहीं इसको यूज़ कर सकते, जब जॉब से फ्री हों। मैं जॉब करता हूँ, ये नहीं है कि मैं जॉब नहीं करता, मैं इसको मेन अर्निंग सोर्स नहीं बनाया हुआ। मैं जॉब करता हूँ, मैं जब फ्री होता हूँ जॉब से या ब्रेक होती है या फिर जब मैं घर आ जाता हूँ तो मैं इस ऐप को थोड़ा बहुत यूज़ कर लेता हूँ। और अपने नेटवर्क में कुछ मेरे लोग आ गए हैं जिसकी वजह से मुझे जो है ना, मेरे तकरीबन ये 340 लोग आ गए हैं जिसकी वजह से मुझे डेली तकरीबन 200 तक मुझे जो है ना आराम से, मतलब महीने का 6 से 10 हज़ार मेरा महीने का आराम से बन जाता है। और कुछ जो दूसरी वीडियो में मैंने आपको इसके विड्रॉ के बारे में भी मैंने डिटेल दी हुई है कि विड्रॉ प्रूफ भी दिए हुए हैं। उसके अलावा आप यूट्यूब पे इसके विड्रॉ प्रूफ काफ़ी सारे देख सकते हैं, ये नहीं है कि मेरी बताने पे आपको हो कि भाई ये पता नहीं कैसे विड्रॉ प्रूफ दिखा रहा है। आप इसके बारे में यूट्यूब पर काफ़ी विड्रॉ सर्च कर सकते हैं। ये ऐप 5 साल पुरानी है, ये कोई ऐप अब नई नई नहीं आई। आप सोचें कि भाई ये ऐप अभी चलेगी और ख़त्म हो जाएगी, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐप 2013 से चल रही है। इसका जो ओनर है वो कोरिया का है और बहुत अमीर बंदा है, उसने इस पर करोड़ों रुपया खर्च कर चुका है इसको बनाने के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए। जो है बस अब ये है कि आपने इसको यूज़ करना है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करनी है। बस ये है कि जो है ना, जो लोग गूगल एड्स के बारे में नहीं जानते वो इसके बारे में सर्च कर लें, और जो जिन लोगों को पता है गूगल एड्स के बारे में कि उनसे गूगल एड्स से किस तरह कमाते हैं, तो ये समझ लें कि ये जो अर्निंग आएगी गूगल एड्स से वो हमें 70% देंगे और 30% खुद रखेंगे। तो ये भी अच्छी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ नहीं है। 70% एक अपने यूज़र्स को देना बहुत अच्छी बात होती है। और क्योंकि अब देख लें आप करीम यूज़ करते हैं कार सर्विस, वो भी 20% खुद रखती है और 80% जो है ना जो कार ड्राइव करता है या बाइक ड्राइव करता है उसको देती है। कोई भी कंपनी जब आपको कोई सर्विस देती है ना, जब आप थर्ड पार्टी को यूज़ करते हैं, तो लाजमी बात है कि उसमें से वो कुछ ना कुछ पैसा खुद रखती है और बाकी आपको देती है। ये इसी तरह ये ऐप है, ये गूगल एड्स से कमाती है, 30% खुद रखती है और 70% आपको देती है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपको 70% भी दे रही है, तो अच्छा खासा एक अमाउंट है जो आपको उसमें से एक हिस्सा दे रही है। इसलिए आपको मेरी यही राय होगी कि आप इस ऐप को यूज़ करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और अपने इस पर जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स या आपके विजिटर्स होंगे उसी हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अर्निंग होगी। ठीक है, ज़्यादा डिटेल के लिए मेरी ये तीनों वीडियो लाजमी देखिएगा। मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, मैं कोशिश करूँगा सारे लिंक आपसे शेयर करूँ और ताकि आप इस ऐप को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।